नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 21 अक्टूबर 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर युवा रोजगार अवसर एजुकेशन भास्कर 2023 से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी। विश्वविद्यालय में पहले ही फैकल्टी की कमी। आईआईटी जोधपुर मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई पर आईआईटी का फोकस। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर नौकरी न्यूज, आईआईटी जेम 25 तक कर सकेंगे करेक्शन। अब एनटीए ने रिलीज की डीयूटी पीजी की आंसर की, जल्द जारी हो सकता है नीट यूजी का रिजल्ट। राजस्थान पत्रिका गुरुवार 21 अक्टूबर 2021 मामला कोर्ट में, लेकिन सरकार कर सकती है समाधान की पहल। बीएड बीएसटीसी विवाद, मसला सुलझे तो सफल हो पाएगी रीट परीक्षा। लेवल प्रथम में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से उठा विवाद। बीएसटीसी के 3 लाख और बीएड के 13 लाख अभ्यर्थी आमने सामने। एनसीटी ने बीएड अभ्यर्थियों को माना है लेवल प्रथम के योग्य। विवाद नहीं निपटा तो अटकेगी भर्ती। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर, बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष, बीएसटीसी अभ्यर्थियों का पक्ष, ऐसे उठा विवाद। क्या निकल सकता बीच का रास्ता? सरकार को हल निकालना होगा ताकि विवाद खत्म हो जाए। एक ओर 3.5 लाख अभ्यर्थी तो दूसरी ओर 13 लाख। सरकार तटस्थ रहते हुए कोर्ट का आदेश मान सकती है। वही सरकार कोर्ट के आदेश पर बीएड अभ्यर्थी याचिकाकर्ताओं को मौका देते हुए बीएसटीसी को प्राथमिकता दे सकती है। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि एनसीटी को विवाद सुलझाने के लिए पत्र लिखे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, कोर्ट का फैसला होगा मान्य। बेरोजगारों की मांगों पर सरकार का नरम रुख, अनशन तोड़ा, महापड़ाव जारी, आज होगी वार्ता उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर, रीट एसआई भर्ती की सीबीआई जांच सहित बेरोजगारों की 21 सूत्री मांगों पर सरकार का रुख नरम होता ही दिखाई दे रहा है। मंगलवार देर रात मुख्य सचेतक महेश जोशी ने वार्ता के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव और अन्य 5 अभ्यर्थियों का अनशन तुड़वाया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, भर्ती कैलेंडर का शेड्यूल तय। आरपीएससी अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को मजबूत बनाने की कवायद। बनाई थी कुमाऊं कमेटी आयोग के लिए टाइम वर्किंग लाइन। आयोग स्तर पर 15 जुलाई तक करना होगा भर्तियों और अभ्यर्थियों का परीक्षण। जल्द जारी हो सकती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर, रेट 2016 पहली सूची में एसटी की कट ऑफ 52.84, दूसरी में 52.72। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर फिर भी चयन से वंचित, लापरवाही सामने आई तो किया जिला वटन। बांसवाड़ा भास्कर, रेट 2016 तृतीय श्रेणी अध्यापक पदों पर पात्र अभ्यर्थी स्थायी होंगे। अजमेर भास्कर, हाई कोर्ट का अहम फैसला, 4 महीने में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर, हाई कोर्ट, सरकार ने मांगा जून तक का समय। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी और अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येंद्र सिंह राघव ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती नियम बना दिए हैं, वित्त विभाग ने भी ड्राफ्ट रूल्स मंजूर कर लिए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने कंप्यूटर अनुदेशक के 9862 व सीनियर
अनुदेशक के 591 पदों को भर्ती के लिए स्वीकृत कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए जून 2022 तक का समय दिया जाए। आरईएस प्री परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड। कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थी दे सकेंगे आरईएस प्री परीक्षा। 27 अक्टूबर को जिला और उपखंड मुख्यालय पर होगी परीक्षा। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। चयन का तरीका, नियोक्ता का नीतिगत विषय। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला एक याचिका को लेकर जोधपुर। उद्यान अधीक्षक समीक्षा परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। पत्रिका न्यूज। छात्र असमंजस में चयन बोर्ड का एग्जाम 29 से 31 अक्टूबर तक, रेलवे का 28 से 31 तक। चयन बोर्ड व रेलवे के स्टेनोग्राफर भर्ती की तिथियां टकराई। अभ्यर्थियों को छोड़नी होगी एक परीक्षा। जयपुर भास्कर। पटवारी भर्ती राजधानी में 23 को 230 व 24 को 235 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए। एनटीटी दस्तावेज सत्यापन, 2 दिन में बुलाए 422 में से 23 अभ्यर्थी ही आए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। राजस्थान पत्रिका न्यूज। एक्शन में सरकार, परीक्षार्थी किसान और आमजन को राहत देने के पुख्ता इंतजाम। पटवारी परीक्षा में भी कर सकेंगे मुफ्त बस यात्रा। पटवारी भर्ती परीक्षा, सरकारी से अधिक निजी स्कूलों में सेंटर। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। पटवारी भर्ती परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा, आधा घंटा पहले से मिलेगी एंट्री। पेपर शुरू होते ही बंद हो जाएंगे केंद्र के गेट। 70 केंद्रों पर 2 दिन में 22,488 अभ्यर्थी होंगे अलवर जिले में शामिल। पटवारी भर्ती परीक्षा 23-24 अक्टूबर को 30,124 युवा जाएंगे दूसरे जिलों में। निजी बसों का अधिग्रहण किया बीकानेर जिला। आईपीएस योगेश यादव ने संभाला एसपी का कार्यभार। सर्किट हाउस में दी सलामी। रीट परीक्षा की तरह पटवार भर्ती में नहीं होने देंगे गड़बड़ी। नकल गिरोह पर पुलिस की नज़र। एसपी का बयान बीकानेर। राजनीति विज्ञान के दोनों पर्चों में प्रश्न स्तरीय एवं मौलिक ग्रंथों से लिए गए। आरपीएससी सहायक आचार्य परीक्षा 2020 जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी अजमेर। जांच कमेटी ने नहीं माना एक ही गाइड से 200 प्रश्न आना नवज्योति अजमेर। रेको में 217 पदों के लिए निकली भर्ती। डिप्टी मैनेजर सहित अन्य पद आवेदन प्रक्रिया शुरू। भास्कर, ये कैसा गुरूर, होमवर्क नहीं किया तो। स्कूल संचालक के शिक्षक बेटे ने 7वीं के छात्र को लात घूसो डंडों से पीटा, मौत हुई। सालासर चूरू। सरकारी कॉलेजों में एडमिशन व मुश्किल 3.38 लाख ने फार्म भरा। सीटें बढ़े तो बीए में छात्रों का आए नंबर, क्योंकि कॉलेजों में 1.38 लाख सीट व दावेदार 3.38 लाख। जयपुर भास्कर। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट 98 लाख तक पहुंचा नामांकन। 50,000 का डेटा होना है फीड। बस 2 कदम दूर, प्रदेश के सरकारी स्कूल होने वाले हैं करोड़पति। राजस्थान पत्रिका न्यूज सीकर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। सीबीएसई बोर्ड, जल्द मिलेगा एग्जाम सिटी बदलने का मौका। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। सवा साल का कार्यकाल, साये की तरह चिपके रहे विवाद। अपने बयानों के कारण विपक्ष के निशाने पर रहे शिक्षा मंत्री डोटासरा। नाथी का बाड़ा, फिसली जुबान, आरईएस परीक्षा एवं अन्य। राजस्थान पत्रिका न्यूज। राजस्थान विश्वविद्यालय बीपीएड और एमपीएड के विद्यार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। संस्कृत विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा का फेक टाइम टेबल वायरल। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर।
आयुर्वेद विभाग 595 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी। राजस्थान पत्रिका न्यूज। चोरू में हैवानियत, स्कूल निदेशक शिक्षक पुत्र के खिलाफ केस, हिरासत में लिया, जांच पूरी होने तक स्कूल की मान्यता निलंबित। होमवर्क नहीं किया तो शिक्षक ने सातवीं के छात्र को पीट पीट कर मार डाला। राजस्थान पत्रिका न्यूज। सालासर चोरू। मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। जागरूक टाइम्स आबू रोड। सुखाड़िया विश्वविद्यालय मार्कशीट में अब कृपांक शब्द नहीं, वीसी बोले इससे बच्चों का मनोबल गिरता है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। भास्कर। 12वीं की फर्जी अंक तालिका के जरिए नर्सिंग कराने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा सिर्फ भास्कर में। बांसवाड़ा। भास्कर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।